हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अ थर्ड पार्ट ऑफ आर लेसन नंबर 6 एंड फ्रॉम दिस पैराग्राफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर लेसन. सो इन इट हिज रिटन इज देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट. अभी इसमें जैसे बताया गया था 2nd, 3rd और अलग अलग चीज़ों क्लास के बारे में कि रिचर्ड एब्राइट क्या करते थे, तो अब यहाँ पे 7th क्लास की बात बताई जा रही है. ही गॉट हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज, उन्हें ये पता चला कि जो रियल साइंस है वो क्या है, जब वो एक काउंटी साइंस फेयर में गए. काउंटी का मतलब क्या होता है, प्रदेश या जिला, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सो रिमेंबर इट. कि काउंटी का मतलब क्या होता है, प्रदेश या जिला. तो जब वो अपने ज़िले के अपने यानी रीडिंग के, वो रीडिंग में रहते थे, तो वहाँ के जब वो साइंस फेयर में उन्होंने एंट्री ली, तो उन्हें पता चला कि रियल साइंस क्या होती है, और ये उसमें हार भी गए थे. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेटिंग एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग. वो बताते हैं कि बहुत ही दुख भरी फीलिंग थी कि आप वहाँ पे बैठे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, जबकि बाकी जितने भी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ प्राइज मिल रहा था. एब्राइट ये बताते हैं, हिज एंट्री वॉज स्लाइड ऑफ फ्रॉक टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. इनकी जो एंट्री थी यानी यानी इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि इन्होंने स्लाइड पे फ्रॉक टिश्यूज को, फ्रॉक की जो टिश्यूज होती है उनको इन्होंने माइक्रोस्कोप में दिखाया था. ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. इन्होंने ये देखा कि जो विनर था उसने कोई रियल एक्सपेरिमेंट किया था, न कि उसने कोई स्लाइड दिखाई थी या कोई डिस्प्ले किया था, यानी उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, न कि उसने कुछ डिस्प्ले किया था, कोई नीट डिस्प्ले ना करके उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग. अभी वो उस कॉम्पिटिशन में गए थे, तभी उनके अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी यानी जो कॉम्पिटिशन की इच्छा थी वो आने लग गई थी, वो दिखाई देने लग गई थी. I knew that for next year's fair I would have to do a real experiment, he said. उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि अगली बार का जो साइंस का फेयर होगा या जो ये साइंस एग्जीबिशन होगा काइंड ऑफ, उसमें मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. वो कहते हैं द सब्जेक्ट यानी कि वो विषय जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता था वो इंसेक्ट वर्क था, यानी कि कीड़ों पे काम कर रहे थे वो बहुत सालों से, यानी बटरफ्लाइज पे वो काम कर रहे थे. तो वो कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट वो उनको सबसे ज़्यादा पता था वो इंसेक्ट्स के बारे में था, क्योंकि वो इंसेक्ट्स पे ही बहुत सालों से काम कर रहे थे. सो ही रोड टू डॉक्टर ऑर्क्यूहार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स. तो उन्होंने सलाह के लिए डॉक्टर ऑर्क्यूहार्ट को लिखा, जिनको वो मोनार्क बटरफ्लाई टैग करके भेजते थे, उनको लिखा, और उसके उनका जो जो भी उन्होंने लेटर लिखा था उसके बदले में स्टैक ऑफ सजेशंस आए. स्टैक यानी कि बहुत सारे अनेक सजेशंस जो थे एक्सपेरिमेंट के लिए वो उनके पास आए. दोस केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू द हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर. इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्हें जिसने एब्राइट को हाई स्कूल तक बहुत बिजी रखा, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे प्राइज़ जीते, चाहे वो काउंटी यानी कि प्रदेश के स्तर पर हो या फिर इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में हो. फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राई टू फाइंड अ कॉज ऑफ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. 8th क्लास में जो इन्होंने प्रोजेक्ट लिया था वो ये लिया था कि एब्राइट ने ये पता करने की कोशिश की कि जो वायरल डिजीज़ है वो जो कई सालों से मोनार्क बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स हैं उनको किल कर रही है. तो वो ये देखना चाहते थे कि वायरल डिजीज़ की वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स जो हैं वो मर रहे हैं. एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरीड बाय बीटल. बीटल जो कीड़े होते हैं एक तरीके के, उनको कहा जा रहा है. तो वो कह रहे हैं कि एब्राइट को ऐसा लगता था कि जो बीमारी थी यानी जो वायरस था वो बीटल्स के थ्रू फैलाया जाता था. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. जैसे हमने पढ़ा था कि वो पूरी मोनार्क बटरफ्लाई की उन्होंने लाइफ साइकिल को अपने घर के बेसमेंट में उन्होंने कंटिन्यू किया था, तो उन्होंने दोबारा से किया कि वो बीटल की प्रेजेंस में यानी उन कीड़ों की प्रेजेंस में इन्होंने कैटरपिलर को बड़ा करना शुरू किया.
आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वन. उन्होंने दिखाया कि उनको कोई रिजल्ट तो नहीं मिला, यानी उनको ये नहीं पता चला कि बीटल्स की वजह से ही ये बीमारी फैलती है या नहीं फैलती है, लेकिन क्योंकि इस बार उन्होंने एक रियल एक्सपेरिमेंट किया था तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने जाके दिखाया उस साइंस फेयर में और वो इस बार जीत गए. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. जैसे यहाँ पे दो बटरफ्लाइज की पिक्चर्स दी गई है, इसमें एक वाइसरॉय है और एक मोनार्क बटरफ्लाई है. जो ऊपर है वो मोनार्क है और जो नीचे है वो वाइसरॉय बटरफ्लाई है. तो नेक्स्ट साइंस जो फेयर प्रोजेक्ट था उसमें ये था कि ये देखना चाहते थे कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है. द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. वो थ्योरी ये थी कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो हैं वो मोनार्क की तरह इसलिए दिखती हैं क्योंकि मोनार्क्स बटरफ्लाई जो हैं वो बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती. तो मोनार्क्स बटरफ्लाई बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती हैं, इस वजह से वो उनको कॉपी करती हैं बिकॉज अब वो उनको नहीं खाती हैं और वो वॉइसराइज बटरफ्लाइज को खाती है, इस वजह से वो उनको कॉपी कर लेती हैं. वॉइसराइज ऑन अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू द बर्ड्स. वही सेम चीज़ है जो मैंने भी बताया कि वॉइसराइज बटरफ्लाई टेस्ट में अच्छी होती हैं जबकि मोनार्क्स को बर्ड्स नहीं खाती थी, इस वजह से खुद को बचाने के लिए वॉइसराइज जो थी वो मोनार्क्स को कॉपी करती थी. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. तो वो यही इस वजह से कॉपी करती थी क्योंकि वो जितना ज़्यादा मोनार्क्स की तरह दिखेंगी उतना कम ही उनके चांसेस होंगे कि वो बर्ड्स का डिनर बने. एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स. एब्राइट का प्रोजेक्ट ये था कि बर्ड्स जो है वो मोनार्क्स को खाती हैं या नहीं खाती हैं. ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. एक स्टारलिंग नाम की चिड़िया है, उन्होंने पाया कि एक स्टारलिंग नाम की चिड़िया है जो कि साधारण चिड़ियों का भोजन नहीं करती, यानी कि जो बाकी खाना चिड़िया खाती हैं वो खाना स्टारलिंग बर्ड नहीं खाती है. इट वुड नॉट ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट. एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट द वॉइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क. स्टारलिंग बर्ड मोनार्क्स को खाती हैं तो वो उनको जितनी ही मोनार्क्स मिलेंगी वो उतनी ही खा लेंगी. और आगे भी एब्राइट ने बताया कि बाद में भी लोगों ने रिसर्च की जिसमें ये पता चलाा कि वॉइसरॉयज जो हैं वो मोनार्क को कॉपी करती हैं. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. इस प्रोजेक्ट ने फर्स्ट प्लेस जीता जूलॉजी के डिवीजन में, यानी जूलॉजी के जो सेक्शन था उसमें, और पूरे ओवरऑल साइंस काउंटी फेयर में थर्ड प्लेस इसका इस थ्योरी का आया. सो नाउ वी विल कंटिन्यू आवर लेसन इन नेक्स्ट पार्ट. आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो.